जेईई और एनईईटी एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए, इस तरह की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की मांग कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी इस तरह की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल जहाँ पर हम हैं ये यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, और यहाँ पर NSUI के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो छात्र इकाई है, नीरज कुंदन एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से जो है ये इनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है। नीरज से बात करिए। नीरज, क्या मांग आप लोग कर रहे हैं और क्यों आप लोग बैठे हैं और कितने लोग बैठे हैं? देखिए, हम 6 लोग जो हैं पिछले 3 दिन से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से एक जो हमारा आज साथी जो है वो बीमार हो गया, फेंट हो गया, और वो RML हॉस्पिटल में इस समय भर्ती है। और ये हमारी मांग नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम सिर्फ जो 25 लाख जो छात्र हैं और उनके साथ जो परिवार हैं, उनकी आवाज़ बनने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 25 लाख छात्रों के कुछ जायज़ सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब केंद्र सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने देखा कि इस समय भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं, चाहे असम हो या बिहार हो, जहाँ पर बाहर से प्रभावित कई प्रदेश हैं, जहाँ के छात्र ये पूछना चाहते हैं कि वो इस समय जब यातायात जो है पूर्ण तरीके से उनका संचालन नहीं किया गया है, वो चाहे रेलवेज हो, वो चाहे रोडवेज हो, तो वो अपने परीक्षा स्थल तक किस तरीके से पहुँचेंगे, क्योंकि नीट और JEE का जो सेंटर है वो इस तरीके से नहीं है कि वो एक घर से दूसरे घर जाना, उनको 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना पड़ सकता है। वहाँ जाके उनको होटल लेना पड़ सकता है, वो होटल की सर्विस भी उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और लास्ट में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उनमें से कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण होता है, तो ना केवल वो बल्कि उनके 25 लाख परिवार, उनके घर के परिवार में कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो उनको भी खतरे में जो है ये सरकार डाल रही है। यही हमारा जो प्रश्न के कोई भी जवाब जो है सरकार के पास नहीं है, इसलिए हम अनिश्चितकाल भूख हड़ताल। कब तक आप चाहते हैं, कब तक पोस्टपोन इसको किया जाए? देखिए, फिलहाल कम से कम हर एक जिला स्तर तक तो ये JEE और नीट के सेंटर बनाएं, तो उसको अच्छी तैयारी से करें, ताकि स्टूडेंट्स को भी ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो दिक्कत ना हो, और अच्छी तैयारी से फिर स्टूडेंट्स भी आ सकें, तो और ये चीज़ें भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाएं, तब मुझे लगता है कि सरकार को एग्जाम्स कराना। तो बिल्कुल, NSUI के जो अध्यक्ष नीरज कुंदन वो कह रहे हैं कि पहले अरेंजमेंट किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है नीट और JEE के सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएं, ताकि स्टूडेंट्स वहां पर जाकर के अपना एग्ज़ाम दे सकें, और जब तक ये तैयारियां हों तब तक के लिए एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएँ।